राधे राधे सभी को। आज हम दिवाली सीरीज की 7th वीडियो बनाने जा रहे हैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से। तो जो घर में भी पड़े कोई सामान है, वेस्ट मटेरियल्स है, उसका यूज करके हम दिवाली के दो क्राफ्ट बनाएंगे। आज मैं यूज करने वाली हूँ पेपर कप्स का। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वीडियो। फर्स्ट वीडियो में बनाऊंगी शुभ लाभ। तो मैंने एक पेपर कप ले लिया है, उसको रेड एक्रिलिक कलर से अंदर की लेयर में उसको मैंने कलर कर दिया है। आप और भी कलर यूज कर सकते हैं पर रेड अच्छा है। फिर इसका ये जो ऊपर का पार्ट था उसको हम सीजर से कट करके निकाल देंगे। अब हम इसको सीजर से इस तरह से कट कर देंगे। आप ध्यान रखिएगा कि आप ये जो लेयर्स कट करें तो उसका साइज एक ही जैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला बहुत ज़्यादा चौड़ा ना हो, वरना फिर आगे हमें जब हम इसको एक फ्लावर का रूप देंगे तो हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप धीरे धीरे कट करिएगा जिससे ये एक बराबर लाइंस में कटे। अब हम इसको इस तरह से हाथ रख के फैला देंगे। अब ऊपर ग्लू लगा के इसको इस तरह से मोड़ मोड़ के हम चिपकाएंगे तो ये एक ऐसे फ्लावर जैसा लगेगा। हॉट ग्लू गन से बहुत जल्दी चिपक जाता है इसलिए मैं ज़्यादातर हॉट ग्लू गन ही यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑल फिक्स ग्लू यूज़ कर सकते हो, बस थोड़ा टाइम लगेगा, आपको उसको पकड़ के रखना पड़ेगा। अब ये पूरा तैयार हो गया है। फिर मैंने ये अंदर की लेयर में एक मेरे पास लेस थी गोल्डन कलर की, वो लगा दिया जिससे ये थोड़ा सा और सुंदर लगने लगे। आप अगर पेपर कप यूज़ करना तो आप बड़े वाले पेपर कप यूज़ करना, तभी ये फ्लावर थोड़ा बड़ा बनेगा। अगर आप छोटे वाले पेपर कप यूज़ करेंगे तो उससे फ्लावर बन नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बड़े वाले पेपर कप यूज़ कीजिए। बस अब हमारा ये तैयार हो गया है। अब हम इसके नीचे लगाने के लिए एक लटकन बनाएंगे। तो हमने थ्रेड और नीडल ले लिया है, अब उसमें एक पर्ल डाल के इस तरह से बांध दिया। इसको बांधने के बाद हम इसमें रेड कलर का पॉम पॉम लगाएंगे। अब हम इसमें थीन पर्ल डालेंगे, फिर उसके बाद एक गोल्डन कलर का पॉम पॉम लगाएंगे, फिर उसके बाद हम थ्री पर्ल फिर से इसमें लगाएंगे, फिर इसके बाद एक रेड कलर का पॉम पॉम इस तरह से हम लगा देंगे। फिर हमारी लटकन तैयार हो जाएगी और इसी तरह हम दो तैयार कर लेंगे। बस हमारा ये एक तैयारी हो गया है, इस तरह हम दो तैयार कर लेंगे। अब ये दो तैयार हो गई, अब दोनों को एक साथ हम ऐसे टाई कर देंगे। और एक वूल ले लेंगे, ये इस ऊपर हैंग करने के लिए मैंने ऐसे बना लिया। अब ये हमारा जो फ्लावर था इसके पीछे हम ये लटकन और ये वूल जो हैंग करने के लिए है दोनों हम ग्लूगन से चिपका देंगे। अब हमारा लटकन इसमें लग गया है। अब हम इसमें ऊपर मिरर लगा देंगे। तो मेरे पास सर्कल शेप के मिरर थे, अब हम इसको इसके ऊपर लगा देंगे जिससे ये और सुंदर लगने लगेगा। अब हमारा ये तैयार हो गया है। अब इसी तरह हम दूसरा तैयार कर लेंगे। ये शुभ लाभ का स्टिकर इसके सेंटर में चिपका देंगे। बस हमारा ये शुभ लाभ तैयार है। तो देखा कितनी आसानी से बन गया और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल लुक ये कैसा लगता है। तो चलिए अब पेपर कप से ही हम दूसरा क्राफ्ट बनाते हैं।
तो मैंने फिर वही पेपर कप लिया है, उसको इस तरह से ऊपर की लेयर इसकी कट करके निकाल दूंगी। फिर इसके बाद जैसे उस कप में हमने ऐसे पतली पतली लेयर्स कट की थी, सेम उसी तरह इसमें भी कट करेंगे और उसी तरह हम इसको फ्लावर का शेप देंगे। बस हम इसको कलर नहीं करेंगे, उसको हमने कलर किया था, इसको हम प्लेन ही रखेंगे, इसको हम कलर नहीं करेंगे। तो फिर इसको अब हम कट कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा ये बस एक ही साइज में कट होनी चाहिए। अब इसको इस तरह फ्लावर की तरह फैला के ग्लू गन लगा के मोड़ मोड़ के पंखुड़ी चिपका देंगे। इसी तरह हम पांच तैयार कर लेंगे। अब हम इस पे मिरर लगा देते हैं जिससे ये थोड़ा और सुंदर लगेगा। अब इसमें मिरर लग गया है। अब मैं सर्किल का एक कार्डबोर्ड लूंगी और इसके ऊपर हम हैंडमेड पेपर चिपका देंगे। अब हम फॉइल के रोल जो होते हैं वो लेंगे। उसको मैंने 5 इंच, 4 इंच, 3 इंच, 2 इंच और 1 इंच के कट कर लिया है। आप इस तरह से इसको कट कर लीजिए। फिर ये गोल्डन कलर में कुछ पेपर है, मैं इससे इसको कवर कर दूंगी। तो आप सारे रोल्स को इससे कवर कर दीजिए। जब ये कवर हो जाएगा तो हम इस सर्किल में साइड में लेस लगा देंगे। अब हमने ये जो रोल तैयार किए थे इसको इसके ऊपर थोड़ा सा गैप करके इस तरह से चिपका देंगे। मैंने जिस तरह से वीडियो में दिखाया है आप सेम उसी तरह इसको चिपका लीजिए। पहले हम 1 इंच वाला रोल चिपकाएंगे, फिर 2 इंच का, फिर 3, 4, 5, इस तरह हम बारी बारी से सबको चिपका देंगे। अब बस जो हमने पेपर कप के फ्लावर्स तैयार किए थे इसके ऊपर हम सबको बारी बारी से चिपका देंगे। फिर ये ऐसे सीढ़ी जैसा लगेगा, ये एक छोटा है, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, तो ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा जब इस पे हम कैंडल या दिया जो भी जलाएंगे। तो बस हमारा दिया स्टैंड, कैंडल स्टैंड तैयार है। देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। इस पे मैं टी लाइट कैंडल रख देती हूँ।
तो देखा कितनी आसानी से हमने पेपर कप के यूज़ करके दो दिवाली के क्राफ्ट बना लिए। तो बहुत ही कम बजट में हमने बहुत अच्छा दिवाली डेकोरेशन घर में कर लिया। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिवाली सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है, इसलिए स्टे कनेक्टेड एंड राधे राधे।